दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हम यह जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। तो दोस्तों, जब हम अपने बचत के पैसों को इस तरह से उपयोग में लाते हैं कि वह राशि भविष्य में बढ़कर अपने मूल राशि से ज़्यादा हो जाए और इससे हमें जो लाभ प्राप्त होता है, वही है दोस्तों हमारे द्वारा किया हुआ सक्सेसफुली इन्वेस्टमेंट। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अपने पैसों को सही जगह काम पर लगाना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब इन्वेस्टमेंट कई प्रकार से किया जाता है, जैसे FD, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, SIP, रियल इस्टेट, गोल्ड एट्सेट्रा। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्ते दोस्तों, बहुत तरुण सोनकर और आज के वीडियो में हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में समझने वाले हैं और हमको यहाँ से किस प्रकार से प्रॉफिट और लॉस होगा वह भी देखेंगे। तो दोस्तों, सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, तभी तो कोरोना काल में भी लोगों ने सोने पर खूब निवेश किया। और दोस्तों, सोना सिर्फ निवेश के लिए ही नहीं बल्कि घर में भी रखना भारत में बहुत शुभ माना जाता है। भारत में महिलाएं छोटी छोटी बचत करके सोना खरीदती है। लेकिन दोस्तों, अब सोना को खरीदना और बेचना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। अधिक सोना खरीदते हैं तो भी आपको कई प्रकार का कायदे और कानून मानने होते हैं, और अगर सोना बेचते हैं तो भी आपको कई प्रकार का टैक्स चुकाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, फिजिकल गोल्ड में निवेश। सेकेंड, गोल्ड ETF में निवेश। और तीसरा है गोल्ड बॉन्ड में निवेश। तो चलिए दोस्तों, पहला देखते हैं फिजिकल गोल्ड में निवेश। इसमें क्या होता है, आप जैसे ज्वेलरी शॉप में सोने के सिक्के या सोने का कोई चीज खरीद कर आप अपने पास रखते हैं, और अगर आप उसे 3 साल के अंदर ही बेच देते हैं तो उस पर आपको इनकम टैक्स के निम्नानुसार टैक्स चुकाना होगा, और अगर आप उसे 3 साल के बाद बेचते हैं तो आपको 20% तक टैक्स चुकाना पड़ सकता है। मतलब कि दोस्तों, सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं, अगर आप फिजिकली रूप से गोल्ड खरीद कर रखते हैं तो आपको फायदा होने वाला नहीं है। और सेकेंड है दोस्तों, गोल्ड ETF में निवेश। इसमें क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू आप खुद से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओगे तो आपको आधे ग्राम सोने की यूनिट भी उपलब्ध कराती है, लेकिन आपको यहाँ भी प्रॉफिट नहीं के बराबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरह आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू गए तो आपको मिनिमम 1 यूनिट या 1 ग्राम सोना खरीदना अनिवार्य है, और मैक्सिमम आप 4 kg तक सोना खरीद सकते हैं, और प्रॉफिट और लॉस यहाँ आपको खुद उठाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। और लास्ट है दोस्तों, गोल्ड बॉन्ड में निवेश। यह सरकारी सिक्योरिटीज होती है जिन्हें सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक जारी करता है। यहाँ भी आप 1 ग्राम गोल्ड से 400 ग्राम गोल्ड यानी कि 4 kg गोल्ड तक आप ऑनलाइन या कैश से आप खरीद सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है, और 8 साल के बाद इसे कैश के रूप में रिडीम कर दिया जाता है, और रिडीम करने के बाद यहाँ कोई टैक्स नहीं लगता। इसमें होता ये है दोस्तों, जैसे अभी आपने सपोज 46,000 रुपये पर ग्राम गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया, और 8 साल के बाद सपोज गोल्ड 70,000 रुपये पर ग्राम हो जाता है, तो आपको 8 साल बाद 24,000 पर ग्राम प्रॉफिट होगा विथआउट टैक्स के साथ। इसमें एक और ऑप्शन है दोस्तों, आप अपना मेच्योरिटी पीरियड 5 साल में ही रिडीम कर सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब लास्ट में निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट
करना ही है तो आप गोल्ड ETF या गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो यार, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।